अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं चैनल जूम दुनिया में फरहत खान। हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोग्राम शोबिस अपडेट। यहाँ हम आपको लेके जाते हैं शोबिस की दुनिया में और देते हैं आपको हिंदुस्तान पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री की ताजा तरीन अपडेट्स। और आज की अपडेट, आज की शोबिस अपडेट, हमारा आज का प्रोग्राम शोबिस अपडेट पाकिस्तान बांग्लादेश की तारीख पर मबनी फिल्म हुए तुम अजनबी पर है। आइए देखते हैं आज की शोबिस अपडेट। बरस बीत गए, आंसुओं और खून के समंदर में मोहब्बत की एक दास्तान यहीं बंगाल ढाका यूनिवर्सिटी में लिखी गई। जीनत और निजामुद्दीन की कहानी। इतना करीब आ जाओ कि तुम्हारी सांसें मेरी सांसों से बच जाए। जो अल्फाज से अदा हो जाए मगर आंखों से बयां ना हो तो वो फिर प्यार तो ना हुआ। कराची, नामवर सहाफी कामरान शाहिद की हिदायत में बनने वाली फिल्म हुए तुम अजनबी का टाइटल सॉन्ग जारी कर दिया गया। हिदायतकार और सहाफी कामरान शाहिद का कहना है कि फिल्म हुए तुम अजनबी में 1971 में बांग्लादेश यानी मशरकी पाकिस्तान के हवाले 25% तारीख दिखाई गई है, जबकि रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। हमारा और उनका खून जुदा था, जुदा है, जुदा रहेगा। पाकिस्तान से मेरा विश्वास उठ गया है। एक जंगशाला बंगाल के नाम। सबका खून बहेगा, सबका। हम बांग्लादेश के जन्म की घोषणा करते हैं। जीनत के बगैर जिंदगी जिंदगी तो ना हुई ना। मोहब्बत करने की इजाजत नहीं है हमें। बांग्लादेश पर आपका अधिकार हो गया है। उन्होंने बताया कि हमने ISPR से टैंक और असलहा किराए पर मांगा था, लेकिन साफ इनकार कर दिया गया और कहा कि हम किराए पर कुछ नहीं देते। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं 1971 की तारीख के पस मंजर पर फिल्म बना रहा हूं, तो उन्होंने मेरा स्क्रिप्ट भी नहीं देखा और उन्होंने मुझे वैसे ही लॉजिस्टिक मुहैया की, जबकि पैसे भी नहीं लिए। लोक के राज का शुरू मुक्त हो गया। इसकी दहलीज पर मर्द माथा टेकते हैं। उस हसीना का नाम है खानम जान। मैं अपने वतन में ही तो हूँ। अमर सुनार बांग्ला, आलू भाषी बांग्ला। उसका ठाका में गायब हो जाना बांग्लादेश के लिए खतरनाक है। दूसरी जानिब कामरान शाहिद ने कहा कि जरूरी नहीं फिल्म में अंतर आने वाली तमाम चीजें हकीकी हों, ताहम ग्राफिक्स का इस्तेमाल होता है। जहां तक मैं तावुन की बात है तो ISPR का फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं। फिल्म स्टार मिकाल जुल्फिकार और सदिया खान मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि सुहेल अहमद, महमूद असलम, शफकत चीमा, समीना पीरजादा, आयशा उमर, शमून अब्बासी, अली खान और फिल्म स्टार शाहिद भी नजर आएंगे। बंगाल को ये नामंजूर है।
आज इन सब के सामने अपने हाथों से तुझे सूली पर चढ़ाऊंगा। जिस मौत से तू मुझे डरा रहा है ना, वो मौत मेरे लिए एक एहसास है। साला लोग ताजमहल को देखने इतना नहीं आएंगे जितना तेरा जिस्म चूमने आएंगे। एक आरजू ही से तेरे शहर के खाक में खाक भी हो जाए तो अब कोई गम नहीं। वाज़े रहे कि फिल्म हुए तुम अजनबी की कहानी में नाज़रीन को 1971 की जंग के पस मंजर में होने वाली उन कही मोहब्बत की दास्तानों को पेश किया जाएगा जिसमें 11 गाने शामिल हैं। कामरान शाहिद की फिल्म को ईद उल फितर पर मुल्क के तमाम सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। कामरान शाहिद और फिल्म हुए तुम अजनबी की पूरी टीम फिल्म की कामयाबी के लिए बड़ी पर उम्मीद है। अब देखना यह है कि कामरान शाहिद की हिदायत में बनने वाली यह तारीखी फिल्म कितनी कामयाब होती है। होए तुम अजनबी, होए तुम अजनबी, इतनी मदारातों के बाद होए तुम अजनबी, इतनी मदारातों के बाद जुड़ेंगे दिल से दिल, जुड़ेंगे दिल से दिल, कितनी मुलाकातों के बाद हुए तुम अजनबी। जी वीवर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। शोबिज की दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहें हमारा प्रोग्राम शोबिज अपडेट सिर्फ जूम दुनिया चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। शुक्रिया। तो जी वीवर्स, यकीनन आपको आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। शोबिज से जुड़ी ताज़ा तरीन अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम शोबिज अपडेट ओनली ऑन जूम दुनिया पर। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, फरहत खान को आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़। दूसरे के आंसुओं से